यूपी में मदरसों में बड़े बदलाव के लिए कदम उठाए गए हैं। मदरसों पर सख्त निगरानी होगी। इसके साथ ही पाठ्यक्रम में भी बदलाव किया जा रहा है। सरकार का कहना है कि मदरसों की बेहतरी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन विरोधी और मुस्लिम संगठन का सरकार के कदम का विरोध कर रहे हैं। बदलेगी यूपी के मदरसों की तस्वीर, पाठ्यक्रम में होगा बदलाव, अब मदरसों में भी दिया जाएगा हिंदी पर जोर, हिंदी अंग्रेजी समाजशास्त्र की पढ़ाई होगी जरूरी, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम फॉलो करना होगा अनिवार्य। यूं तो मदरसों का मकसद धार्मिक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना रहा है, लेकिन वक्त के साथ इसकी तस्वीर बदलने लगी है। यूपी के 16,000 मदरसों में पढ़ाई का अंदाज बदलने वाला है। अब पुराने ढर्रे पर मदरसा नहीं चलेंगे, मदरसों का कोर्स बदलने वाला है। मदरसों के पाठ्यक्रम में हिंदी, अंग्रेजी, गणित, साइंस और सोशल साइंस को अनिवार्य किया जा रहा है। मदरसों के कोर्स में बदलाव के लिए 40 सदस्य समिति का गठन किया गया है। सरकार का कहना है कि उनका मकसद मदरसों का मॉडर्नाइजेशन है। कोर्स में बदलाव इसलिए जरूरी है ताकि मदरसों से निकलने वाले छात्रों को भी नौकरी मिल सके। सरकार का कहना है कि गणित, विज्ञान और समाजशास्त्र की पढ़ाई उर्दू मीडियम में होगी। उर्दू में स्टडी मटेरियल एनसीईआरटी पब्लिश करेगी। धार्मिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड के लिए सरकार ने 15 करोड़ रुपए का बजट रखा है। यूपी सरकार इन तमाम कदमों को जरूरी बता रही है, लेकिन मदरसों से जुड़े सरकार के कुछ कदमों पर मुस्लिम संगठन सवाल उठा रहे हैं। सरकार ने कहा है कि मदरसों का नाम हिंदी में भी लिखा जाए, इनके खुलने और बंद होने का समय भी हिंदी में लिखा जाए। सरकार का कहना है कि इससे आम लोगों को सुविधा होगी। हिंदी की बात कही गई है तो इन मदरसों में जो मीडियम है एजुकेशन का, वो बुनियादी तौर पर उर्दू होता है, और सबको अपने जहन में बात रखनी चाहिए कि उर्दू खालिसतन हिंदुस्तानी ही ज़बान है, कोई बाहर की ज़बान नहीं है, और यूपी में यह सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा इसको हासिल है। और हम लोगों के मदरसों में जो मातृभाषा है हिंदी, वो भी ऑलरेडी पढ़ाई जाती है। हिंदी पे बाकायदा पूरा एक इसका अलग सब्जेक्ट है, उसी के साथ साथ चाहे मैथ्स हो या सोशल साइंस हो, इसकी भी तालीम दी जा रही है। तो हम ये समझते हैं कि जो बातें मदरसों के बारे में बार बार कही जा रही हैं, वही बातें और वही डिटेल्स स्कूल कॉलेजेस से भी मांगी जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि उन पर आदेश थोपने की कोशिश हो रही है, वहीं सरकार शिक्षा व्यवस्था में बदलाव के लिए इसे जरूरी बता रही है। मदरसों में जो पढ़ाई होती है, शिक्षा होती है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार की दलील है कि तमाम कवायद उठाई जा रही हैं, लेकिन मदरसों को लेकर सरकार को विरोध झेलना पड़ रहा है विपक्षी पार्टियों का, और कहीं ना कहीं धर्मगुरु जो हैं वो भी सरकार के इन कदमों को की मुखालफत करते दिख रहे हैं। लखनऊ से जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ नेशन। तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा मदरसों को लेकर एक के बाद एक फैसले लिए जा रहे हैं। एक बड़ा फैसला ये भी कि मदरसों की निगरानी के लिए जीपीएस का इस्तेमाल किया जाएगा। मदरसों में पढ़ाने वाले अध्यापकों को एक पोर्टल पर तमाम जानकारियां देनी होंगी, और जाहिर सी बात है इन्हीं तमाम फैसलों को लेकर अब योगी सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। यूपी में मदरसों की होगी सख्त निगरानी, जीपीएस से मदरसों पर नजर रखेगी यूपी सरकार। 16,000 मदरसों की होगी जियो टैगिंग, मदरसों की होगी गूगल मैपिंग, क्लासरूम का ब्यौरा भी देना होगा। यूपी में मदरसों की निगरानी के लिए सरकार की तरफ से फरमान जारी हुआ है। सरकार के अल्पसंख्यक विभाग ने एक आदेश जारी कर मदरसों के लिए बने पोर्टल पर तमाम जानकारियों को भेजना जरूरी कर दिया है। राज्य के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को सरकारी साइट पर रजिस्टर कराना अनिवार्य कर दिया गया है। मदरसा बोर्ड .upsdc.gov.in पर 15 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सरकारी अनुदान और मान्यता बरकरार रखने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा। मदरसों के सभी शिक्षकों, छात्रों और टीचिंग स्टाफ की पूरी डिटेल्स पोर्टल पर देनी होगी। उत्तर प्रदेश में मदरसों पर सीधी नजर बनाने के लिए योगी सरकार तमाम कवायदे करने में जुटी है, और अब मदरसों की जीपीएस बेस्ड निगरानी की जाएगी। इसके अलावा तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसको लेकर योगी सरकार सामने है, मदरसों पर पूरी तरीके से निगरानी करने के लिए, और मदरसों को लेकर के तमाम चीज़ें
तमाम बातें सामने आ रही हैं, उनमें सबसे पहली चीज़ ये है कि सरकारी अनुदान और मान्यता प्राप्त बरकरार रखने के लिए, सरकारी अनुदान और मान्यता बरकरार रखने के लिए मदरसों को जानकारी देनी होगी। योगी सरकार इसे मदरसों को हाईटेक बनाने की कोशिश के तहत उठाया गया कदम बता रही है। सरकार का कहना है कि इससे मदरसों में भ्रष्टाचार रुकेगा, फर्जी शिक्षक, फर्जी टीचिंग स्टाफ और फर्जी छात्रवृत्ति पर रोक लगेगी और सरकार पारदर्शी तरीके से मदरसों को चला सकेगी। यूपी मदरसा बोर्ड के तहत जो मदरसे चल रहे हैं, मेरे ख्याल में उन्हीं के लिए ये बात कही गई है कि उनमें GPS लगे और उनका वो लोग जो पोर्टल है मदरसे का, मदरसा बोर्ड का, उस पर अपनी सारी डिटेल अपलोड करें और उसमें कमरों का साइज़ है और टीचर्स की डिटेल है, स्टूडेंट्स की डिटेल है। और हम ये समझते हैं कि ये जो भी मदरसा अपना रजिस्ट्रेशन कराता है और उसको एड लिस्ट पे लिया जाता है, उसमें ये सब ऑलरेडी डिटेल दी जाती है और अब इसको बार बार मांगने और मुतालबा करने की क्या ज़रूरत पेश आई, ये डिपार्टमेंट को क्लेरिफाई करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो बार बार बातें आ रही हैं, इससे लोगों के जहनों में शक व शुभात पैदा होते हैं। आदेश में सबसे अहम बात क्लासरूम की निगरानी है। मदरसों की गूगल मैपिंग का आदेश दिया गया है। हर कमरे की जानकारी, तस्वीरें और मदरसा बिल्डिंग की पूरी जानकारी वेबसाइट पर डालना जरूरी होगा। सरकार इसे मदरसों के संचालन के लिए जरूरी बता रही है। वहीं मुस्लिम संगठनों की इस संबंध में मिलीजुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इससे मदारिस को फायदा पहुंचेगा। इससे पहले मदारिस को दहशतगर्दी का अड्डा कहते रहे, चोर चोर कहते रहे, मगर खाना तलाशी नहीं ली। अब हमारी योगी सरकार ने इधर तवज्जो की है, इनको खामखां को चोर न कहा जाए, मदारिस के जो कुछ अंदर है उसका जायजा लिया जाए। सरकार ने हर मदरसे को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द क्लासरूम का नक्शा, बिल्डिंग की फोटो, शिक्षकों के बैंक अकाउंट की जानकारी और सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड को जल्द से जल्द सरकार को मुहैया कराया जाए। सरकार ने मदरसा शिक्षा परिषद के रजिस्ट्रार को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इस निर्देश में कहा गया है कि सूबे के सभी 16,000 मान्यता प्राप्त मदरसों की जियो टैगिंग की जाए। सभी मदरसे एक यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन कोड से जुड़ेंगे। सरकार इन कदमों को मदरसों के सुधार का हिस्सा बता रही है, लेकिन विरोधियों का कहना है कि सियासी एजेंडे के तहत कदम उठाए जा रहे हैं। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। तो सरकार मदरसों के सुधार के नाम पर इन तमाम कदमों को जरूरी बता रही है, लेकिन सरकार के कदम पर ही लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले भी सरकार की तरफ से 15 अगस्त को एक फरमान जारी हुआ था, जिसका मुस्लिम संगठनों ने काफी विरोध किया था। GPS से मदरसों की निगरानी होगी, हिंदी पर देना होगा जोर, पाठ्यक्रम में करना होगा बदलाव। मदरसों के संबंध में यूपी सरकार की तरफ से बार बार फरमान जारी किए जा रहे हैं। कुछ दिनों पहले 15 अगस्त के मौके पर सरकार की तरफ से मदरसों के लिए आदेश जारी हुआ था। मदरसों में राष्ट्रीय गान गाने का आदेश दिया गया था। पूरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम करने और इन सब की वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराने का भी फरमान जारी हुआ था। और अब मदरसों की निगरानी का नया फरमान आया है। 15 अगस्त को झंडारोहण, मदरसे में वीडियोग्राफी होगी, मदरसे में हिंदी में नाम लिख दिए जाएं, मदरसे में GPS सिस्टम लागू कर दिए। मैं समझता हूँ कि ये जो हुकूमत आई थी ये विकास के नाम पे आई थी, लेकिन हकीकत में ये शिक्षा का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और विकास से बहुत दूर लिया जाया जा रहा है प्रदेश को। मुस्लिम धर्मगुरु इन आदेशों पर सवाल उठा रहे हैं। मुस्लिम संगठनों का कहना है कि यूपी की प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था पहले से चरमराई हुई है। मदरसे प्राथमिक शिक्षा में बेहद अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन सरकार बेवजह इनमें रुकावट पैदा कर रही है। जी, सरकार के तहत जो प्राथमिक स्कूल और विद्यालय चल रहे हैं उनमें ड्रॉप आउट लेवल रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे जो तालीम का स्टैंडर्ड है, एजुकेशन का स्टैंडर्ड है, उसमें कोई भी सुधार नहीं हो रहा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बुरी हालत है। तो हम ये समझते हैं कि बजाय मदरसों पर इतने मेहरबानी के, हुकूमत को चाहिए कि इन प्राथमिक जो शिक्षा है, विद्यालय हैं, उनकी तरफ ध्यान दें। कुछ मुस्लिम संगठनों का कहना है कि अगर कुछ मदरसों के खिलाफ शिकायत है तो उसके खिलाफ कदम उठाए जाएं। सभी मदरसों को क्यों टारगेट किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश के मदरसों को पहले पोर्टल पर लाने की तैयारी, उसके बाद मदरसों की GPS बेस्ड निगरानी और अब हिंदी और सामाजिक विज्ञान जैसे विषयों पर पढ़ाई कराने के फरमान।
उत्तर प्रदेश सरकार के फरमान विपक्षी दलों को नागवार गुजर रहे हैं। साथ ही मुस्लिम धर्मगुरु भी अब इसकी मुखालफत करते दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले दिनों में सरकार के इन फैसलों को किस तरीके से देखा जाता है। लखनऊ से जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज नेशन। तो मदरसों को लेकर एक के बाद एक बयान सामने आता रहा है, विवाद सामने आते रहे हैं, बयानों के जरिए सियासी तापमान को बढ़ाने की कोशिश होती रही है। कभी मदरसों को आतंक का अड्डा बताया जाता है और कभी मदरसों की निगरानी की बात की जाती है। अलग अलग किस तरीके के विवाद रहे हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मदरसों पर सख्त निगरानी की बात हो रही है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। मदरसों पर विवादित बयान या उससे जुड़ी विवादित खबरें पहले भी सामने आती रही हैं। 3 महीने पहले भी एक खबर आई थी जिससे हड़कंप मच गया। बताया गया कि बिजनौर और उसके आसपास के इलाकों में बनी 2000 मस्जिदें और मदरसे खुफिया एजेंसियों के रडार पर हैं। कहीं यहाँ गैरकानूनी गतिविधि तो नहीं चल रही, इसकी जाँच चल रही है। योगी आदित्यनाथ पूर्व की अखिलेश सरकार पर आरोप लगाते रहे कि दलित के लिए जारी पैसा सरकार मदरसों पर खर्च करती रही है, और योगी आदित्यनाथ के सत्ता संभालने के बाद मदरसों के खिलाफ फरमान पर फरमान जारी हो रहा है। अब सरकार क्यों रखना चाहती है ये तो पता नहीं है, मगर मदरसों में इस तरह का कोई है नहीं कि इस पर नजर रखी जाएगी। पर सरकार नजर रखे तो रखे। हमारे इदारे में इस किस्म की कोई बात तो पहले से है नहीं, लेकिन अगर सरकार करना चाहे तो उस पर हमें कोई एतराज नहीं। आप स्वागत करते हैं इस फैसले का सरकार? ठीक है। ये बात बहुत गौर करने वाली है कि मदरसों में तो GPS सिस्टम ला रहे हैं, अस्पतालों से ऑक्सीजन ख़त्म हुआ जा रहा है, बच्चे मरे जा रहे हैं, उनकी कोई गिनती नहीं हो पा रही है। ये सरकार की मंशा हमें समझ में नहीं आ रही है। मदरसों को लेकर पहले भी विवाद होते रहे हैं। 26 जनवरी 2016 को गोरखपुर के मदरसे में तिरंगा नहीं फहराने की खबर को लेकर विवाद हो गया था। संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सभी मदरसों को 26 जनवरी को तिरंगा फहराने की नसीहत दी थी। 2 साल पहले BJP नेता साक्षी महाराज ने मदरसों को आतंकवाद का अड्डा बताया था, जिसके बाद काफी विवाद हुआ। विपक्ष में रहकर BJP नेता विवादित बयान देते रहे हैं। अब BJP सरकार में है, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहे। अब बयानबाजी नहीं, सरकार के कदम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। लखनऊ से रतीश त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज नेशन। यूपी सरकार का दावा है कि मदरसों को बदलने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ यूपी सरकार के इन दावों पर ही सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यूपी सरकार मदरसों में बदलाव लाना चाहती है, इसलिए कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा दावा किया जा रहा है। उधर मदरसों के पाठ्यक्रम में बदलाव की बात की जा रही है सुधार के तौर पर। इधर मदरसे खुद भी अपने अंदर बदलाव कर रहे हैं। 3 तलाक पर सर्वोच्च अदालत के फैसले के बाद बरेली के एक मदरसे में तलाक से जुड़ा पाठ्यक्रम शामिल किया गया। वक्त बदल रहा है और बदलाव की बयार मदरसों में दिख रही है। 3 तलाक असंवैधानिक करार दिए जाने के बाद पूरे मामले में मदरसों की तरफ से पहल की जा रही है। तलाक का सही तरीका क्या है, इसकी जानकारी देने के लिए मदरसों के पाठ्यक्रम में इस विषय को शामिल किया गया है। बरेलवी मुसलमानों की आस्था के सबसे बड़े केंद्र दरगाह आला हजरत में इस संबंध में कदम उठाए गए हैं। तलाक के सिलसिले में हमारे मदरसे इस्लामिया की रोहेलखंड रीजन की अभी फिलहाल मीटिंग हुई है, और जितने भी मदारिस थे उन मदारिस को जमा करके मीटिंग करके ये फैसला लिया गया है कि निसाब तालीम में तलाक को खसूसी तौर पर पढ़ाया जाए और तलाक की तमाम बारीकियों से वाकिफ कराया जाए। मदरसों में तलाक का सही तरीका जानने के बाद छात्र अपने आसपास के इलाकों में तलाक को लेकर परामर्श भी देंगे। मौलाना और उलमा लोगों ने बताया है कि मदरसे में हमारे नया सिलेबस जुड़ेगा, उसे हम पढ़ेंगे और हम लोगों को प्रेरित करेंगे पढ़ने के लिए, और इसका प्रचार भी करेंगे जिससे कि तलाक के बारे में लोग जाने। मदरसों में होने वाली पेरेंट्स टीचर मीटिंग में भी तलाक का सही तरीका बताया जाएगा। दरगाह आला हजरत ने दुनिया भर के उलेमाओं से जलसों की तकरीरों में भी शरीयत की रोशनी में तलाक के सही तरीकों की जानकारी देने की अपील की है। दरगाह आला हजरत तलाक के तरीकों की जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर रहा है। टीम न्यूज़ नेशन।